तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया ही होंगे। तो अभी न्यू ईयर आ गया है और मेरे पास यार पहले से एक प्रोडक्ट रखा हुआ था। वो मैंने मतलब बहुत पहले मंगाया हुआ था, प्रोडक्ट नहीं है, लैपटॉप है। मैंने बहुत पहले मंगाया हुआ था और अब उसके मतलब मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ दिखाई नहीं थी यार। मैं सर रखा है, आपको दिखाई देते हैं। तो अभी हमारे पास आया है ये लैपटॉप। आया तो नहीं है, ख़रीदा है। ये देखते हो, बहुत भारी लैपटॉप है। एक सेकंड, दिख रहा है तो आप, ये बहुत पहले का रखा हुआ है, मैंने बहुत पहले का मंगाया हुआ है। और सही बताओ तो मैंने इसे यूज़ भी कर लिया बहुत ज़्यादा, बस वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अभी देखो आप, दिखाता हूँ। और थंबनेल वगैरह मैं तो देख लिया होगा कितने का क्या है, मेरे को एग्जैक्ट उतने का ही पड़ा है। बस वो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए डिलीवरी चार्ज। ऐसे मैंने इसको पूरा, मैं इसका डब्बा इधर उधर गिरा हुआ था तो मैं दोबारा लाया हूँ, इसको दोबारा सेट किया है। तो जैसे ये आया वैसे तो नहीं था। कोई नहीं, फिर मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने की। अब जैसे ये बॉक्स है, अभी ये लैपटॉप है, इसको हम निकालते हैं। सही बताओ ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट लैपटॉप है ये, बहुत ज़्यादा। ये प्राइम बुक वगैरह जो भी है, इसके अंदर ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आए थे, ये थैंक यू कार्ड है। सही है। और ये चार्जर आया था टाइप सी, ये मैंने दोबारा रखा है यूज़ करके। ये टाइप सी चार्जर है, टाइप सी टू सी है, ठीक है। ये है हमारा लैपटॉप, फोकस हो जा। हाँ, साइनी साइनी दिख रहा है, अच्छा ठीक ठाक। लेकिन यार इस पे ना निशान बहुत ज़्यादा हो जाते, देखो बहुत ज़्यादा निशान हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते, मतलब फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं इस पे बहुत ज़्यादा। इसको ओपन करके और दिखाता हूँ। और ये एक हाथ से नहीं खुलता क्योंकि ये एक क्रोम बुक है और दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। इसमें देखो स्क्रीन भी ठीक ठाक है, मतलब सही है बजट, मतलब जितना इसका प्राइस देखे ना उसके हिसाब से तो ये बेस्ट है। और ये कीबोर्ड है, ये कुछ तो दिखा होगा। देखो यार, अगर तुम चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर खतरनाक खतरनाक वीडियो आने वाली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मतलब चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। और देखते हैं, थोड़ा गेमिंग भी ट्राई करेंगे और मैं इसमें एडिटिंग वगैरह सारा चीज़ करके दिखाऊंगा। अब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, मतलब ये होम बार है। सबसे पहले मैं इसमें आपको काइन मास्टर दिखाता हूँ, काइन मास्टर इसमें कैसे क्या चलते हैं। तो काइन मास्टर इसमें मतलब स्मूथली वर्क कर जाता है अच्छा खासा। मैं इसमें मतलब वीडियो एडिटिंग करके देखी थी, वो डिलीट हो गई। कोई नहीं, मैं इसमें ये दिखा देता हूँ। अब जैसे ये वीडियो है, इसमें आप अच्छी तरह एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ कर सकते हो अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हो तो इसमें। लेकिन इसमें बस दिक्कत, एक मेन दिक्कत ये है कि ये बस आपको 1080p 60 तक ही सपोर्ट करेगा, 1080p 60 तक ही एक्सपोर्ट कर पाएगा ये वीडियो को, 4K नहीं होगा। एडिटिंग ऐप आप अच्छी तरह स्मूथ वर्क कर सकते हो, क्या बोलते हैं। अब मैंने पिक्सल लैब भी यूज़ करके देखा इसके अंदर कि आप मतलब इसमें मतलब कभी कभी मैं थंबनेल बनाता हूँ, इसमें आपको फुल स्क्रीन मिल जाएगी कि आप थंबनेल अच्छी तरह देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसमें ये फ्री फायर ऑन कर लिया है। अभी मेरे को यार मतलब लैपटॉप में खेलना नहीं आता फ्री फायर। मैंने सेटिंग वगैरह तो इसमें सारी ऑटोमेटिक भी आती है और मैंने थोड़ी एडजस्ट भी कर लिया, लेकिन मेरे को अभी मतलब पीसी में खेलना नहीं आया। तो इसमें फ्री फायर चल जाएगा आपका, अल्ट्रा तक चल जाएगा। अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ, इसके ग्राफिक्स दिखाता हूँ। तो ये अल्ट्रा मैक्स, ये मैक्स तक भी सपोर्ट कर रहा है। आप इसमें कोई भी ये डिस्प्ले वगैरह चूज़ कर सकते हो, फिल्टर कोई सा भी लगा सकते हो, मैक्स तक ये मतलब कर जाएगा। हल्का फुल्का मतलब लैग करता है, मैंने खेल के देखा हुआ है। और इससे अच्छा मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अल्ट्रा पे खेलें। अल्ट्रा पे एकदम नॉर्मल काम कर जाएगा, बढ़िया स्मूथ काम करेगा। और अगर आपको लेकिन थोड़ा हीट होगा कि क्योंकि गेम चल रहा है, और अगर नॉर्मल और आपको थोड़ा ग्राफिक से कुछ लेना देना नहीं है, स्टैंडर्ड पे भी आप खेल सकते हो बढ़िया। इधर ट्राईपोर्ड आगे लगा रखा है तो मैं इस कीबोर्ड पे आप नहीं चाह रहा, आप इसमें ठीक ठाक खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल गेम प्ले कर सकते हैं।
मतलब आपको मज़े में खेलना है तो आप सही से खेल सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी स्पीकर क्वालिटी और इसकी फुल ब्राइटनेस में क्वालिटी दिखा देता हूँ कैसी क्या है। तो ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है, अभी मैं आपको इसको प्ले करता हूँ। मैं इसको लगभग 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और फाइनली कंक्लूजन बताऊँ तो आप इसको अगर ये 10-11,000 में आपको मिल रही है तो आप बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। लेकिन अगर इससे ऊपर प्राइस में जा रही है तो इससे अच्छा आप क्रोमबुक वगैरह ले सकते हो, क्रोमबुक बेस्ट है। और इसमें अभी ये नया नया आया है तो इसमें अभी कुछ छोटी मोटी कमी है तो शायद मैंने आपको बताई होंगी। और मैं कोई टेक रिव्यूअर तो हूँ नहीं, तो जितना मेरे को पता लगा मतलब और इसमें बढ़िया सारी चीज़ें हैं और प्राइस के हिसाब से एकदम बेस्ट डील है। मतलब मेरे को ये बिग बिलियन सेल में मिली थी तो ये मेरे को फुल मतलब एक्यूरेट 9,000 का ही मिला था मेरे को ये, और उस हिसाब से मेरे बहुत कामयाब है। मतलब मैं इसमें वीडियोस वगैरह बनाने में मेरे को बहुत यूज़फुल मिल हो रहा है, इसमें क्लास वगैरह भी ले सकते हैं अच्छी तरह, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको ले सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप एडिटिंग वगैरह करो या फिर मतलब गेमिंग करो, मतलब गेमिंग हो जाती है इसमें बढ़िया, लेकिन और आपको चाहिए आप ये अच्छी तरह गेमिंग ही करनी है दिन रात तो नहीं हो पाएगा, तो आप इस अच्छा सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो 10,000 और 15,000 ऐड करके तो 20-25,000 का कोई लैपटॉप मिल ही जाएगा। तो बस यही है, आपको जो भी इसके बारे में क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मतलब क्या कैसी क्या क्वालिटी कैसी है इसकी, स्पीकर क्वालिटी, मतलब सब कुछ बताऊंगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में। बता दो क्वेश्चन पूछो, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैं जो जितना मेरा एक व्लॉग्स है तो व्लॉग बना दूंगा, वो देख लेना व्लॉग है।